शराब की बॉटल मिली है और मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं ये किसकी है। मैं शक करती हूँ कि शायद आर्यन की होगी, मारकंड की होगी, मुनीम की होगी। यहाँ तक कि मैंने ये भी सोचा कि कहीं आजी की तो नहीं है, कहीं वो तो शराब नहीं पीती। और फाइनली मैं कन्फ्रंट करने जाती हूँ आर्यन के पास। वहाँ पे हमारी एक बहुत क्यूट नोकझोंक होती है। वो मुझसे कहता है मैं तो शराब नहीं पीता, पर हो सकता है तुम्हारे हाथ में बॉटल है तो तुम ही पीती होगी। तो हमारी ऐसी नोकझोंक हुई है, लेकिन वो किसकी है वो अभी तक की आराध्या को तो नहीं पता चला। एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा, बिकॉज़ हमारे शो में काफ़ी कैरेक्टर्स आए हैं, बहुत सारे हैं। पूर्वा आई थी, जयराज आया है, इनफैक्ट हैं अभी भी हैं, और ये भी एक नई एंट्री हुई है। ये एक लड़की है जिसको देवदासी बनाया जा रहा था, एंड हम जाके उसको बचाते हैं मैं और आर्यन खुद फंस जाता है उस केस में। और कैसे मैं उन दोनों को बचा के घर पर लाती हूँ, एंड आर्यन का गिल्ट जो है वो उसको कहता है कि मैं श्रावणी को थोड़ा सपोर्ट करूंगा और हमारे घर पे वो रहेगी, इसलिए श्रावणी रह रही है, जिसके लिए आराध्या भी फुल सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट वो आर्यन के इस डिसीजन से काफ़ी खुश है। ये ट्विस्ट वापस एक ट्विस्ट है, डेली सोप कर रहे हैं हम, एक टेलीविजन सीरीज़ है, तो जाहिर है हमारे डेली सोप में तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं, तो कभी कुछ उसी तरह से। लेकिन ये जो ट्विस्ट है ये हमारे शो के मुद्दे को, उसके एसेंस को लेकर चल रहा है, क्योंकि हमारा शो देवदासियों के ऊपर है। हम कहीं बीच में हमारी स्टोरी अलग अलग प्लॉट्स पे गई है, रोमांस पे, एक्शन पे, हर जगह। हो गया नहीं।